Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am your S.st. teacher from Allied School, Khyali campus. Now I am talking about the unit number 1, Geography. The earth in our space. The earth is like a huge ball. Zameen jo hai wo ek bade gend ki tarah ball ki tarah we call this shape. Hum jo hai wo uski shakal ko sphere bolte hain. Sphere hum log bolte hain. Circle ko daire ko hum log bolte hain. It is not quite around. It plotted at the bottom and टॉप एंड दी बॉटम. टॉप बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को, बॉटम बोलते हैं नीचे वाले हिस्से को. तो जो है वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल गोल नहीं है, लेकिन टॉप से ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से से थोड़ी सी जो है वो बिल्कुल सीधी है. इधर नॉर्थ नॉर्थ की तरफ एंड साउथ और साउथ पोल्स की तरफ. नॉर्थ जो है वो यहाँ पे होता है, नॉर्थ साइड यहाँ पे होती है, साउथ जबकि ये साइड जो है वो हमारी होती है. उसके बाद हंड्रेड ऑफ द ईयर्स अगो, सैकड़ों साल पहले, पीपल हैड वेरियस आइडियाज. लोग जो थे वो मुख्तलिफ किस्म के ख्याल रखते थे अबाउट द अर्थ, ज़मीन के बारे में. सम पीपल, कुछ लोग थाट वो सोचते थे इट वॉज फ्लैट, कि ज़मीन बिल्कुल सीधी है. मोस्ट बिलीव्ड, ज़्यादातर जो थे वो यकीन रखते थे डैट अर्थ वॉज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, के ज़मीन जो है वो कायनात के बिल्कुल दरमियान में है. सेंटर बोलते हैं मरकज़ को, दरमियान को. दे थॉट, वो सोचते थे द सन एंड द प्लैनेट्स, के सूरज और जो दूसरे सियारे हैं मूव्ड, वो हरकत करते हैं, घूमते हैं अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, ज़मीन के इर्द गिर्द. टूडे, मौजूदा दौर में, या आज जो है वो नो अबाउट अलॉट अबाउट द अर्थ, हम लोग जो है वो जानते हैं ज़मीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा. द अदर प्लैनेट्स, दूसरे सियारों के बारे में, सन सूरज के बारे में, स्टार्स सितारों के बारे में, एंड द स्पेस और खला के बारे में. एस्ट्रोनर्ट्स, एस्ट्रोनर्ट्स बोलते हैं खलाबाज, हैव बीन इन टू द स्पेस इन स्पेस शिप्स. वो स्पेस शिप्स पे जो है वो खलाबाज स्पेस में जा चुके हैं. मैन हैज़ इवन लैंडेड ऑन द मून, हत्ता कि इंसान जो है वो मून पर भी पहुंच चुका है. मशीन्स कॉल्ड स्पेस प्रॉप्स, मशीन्स जो है वो स्पेस प्रॉप्स कहलाती हैं. हैव बीन सेंट इन टू द स्पेस, जिनको स्पेस में भेजा गया है. टू फाइंड आउट मोर अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स बोलते हैं कायनात को, इस दुनिया के बारे में और कुछ ज़्यादा जानने के लिए. सेटेलाइट्स ऑर्बिट द सन, सेटेलाइट्स जो है वो घूमते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं घूमना अराउंड द अर्थ, ज़मीन के इर्द गिर्द. दे रिसीव, वो जो है वो पाते हैं या हासिल करते हैं, सेंड एंड भेजते हैं रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स, रेडियो के और टेलीविजन के सिग्नल्स. एंड गैदर, वो इकट्ठे करते हैं एंड सेंड और भेजते हैं इंफॉर्मेशन, मालूम सच एज हाई क्वालिटी इमेजेस, जैसा कि जो है वो हाई क्वालिटी की तस्वीर वगैरह ऑफ द स्पेस, स्पेस की खला की, बैक टू द अर्थ, ज़मीन पर. सम सेटेलाइट्स इमेजेस, कुछ सेटेलाइट्स की जो तस्वीरें, हैव बीन यूज्ड टू इम्प्रूव मैप्स, हम लोग जो मैप्स जो नक्शे बनाते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे ऑर्बिट है, ऑर्बिट हम लोग किसे बोलते हैं, द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो रास्ता बनाया गया है ज़मीन का अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द, जिस पर जो है वो ज़मीन हरकत करती है, घूमती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट. अदर प्लैनेट्स, दूसरे जो सियारे एंड सेटेलाइट्स और सियारे आल्सो हैव ऑर्बिट्स, उनके भी जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं. एक्सिस, एक्सिस के ने बोलते हैं, दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन्स, एक ख्याली जो है वो लाइन बनाई गई है, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. नॉर्थ पोल हम लोग किसे बोलते हैं और साउथ पोल किसे बोलते हैं, ये जो है वो हमारी अगर ज़मीन है तो इस साइड पे जो है वो नॉर्थ होता है, इस साइड पे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है. तो लाइन्स कह रहे हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो होती हैं लाइन्स, उन्हें हम लोग बोलते हैं. थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के बिल्कुल मरकज़ में जो है वो पाया जाता है. दिस अर्थ, ये जो ज़मीन है, इस टिल्टेड टिल्टेड बोलते हैं, थोड़ी सी टेरी होना, 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर. इक्वेटर किसे बोलते हैं, अब यही जो है वो हमारा जो ज़मीन का नक्शा होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो दरमियान में लाइन होती है, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर. और सूरज जो है वो इक्वेटर पर जो है वो होता है. उसके बाद हेमिस्फीयर आगे, हेमी हम लोग बोलते हैं हाफ को. हेमिस्फीयर यानी ज़मीन का जो पूरा नक्शा है उसे जो है वो अगर हम लोग हाफ कर दें तो वो हमारा कहलाता है हेमिस्फीयर. कार्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शंस हम लोग इसे बोलते हैं कि कंपस पर जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारी जो है वो चार डायरेक्शंस होती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस. उसके बाद इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं ये नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ टू ईस्ट एंड साउथ टू वेस्ट, इन चारों को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, इमीडिएट डायरेक्शंस.